नमस्ते सभी को। उम्मीद करता हूँ सब सही होगे। और वीडियो का थंबनेल देख के सबको समझ आ गया होगा कि मूवी रिव्यू ही है। मूवी रिव्यू क्या, छोटी सी एक टॉक है। अपन मार्वल फैन हैं तो बताते हैं। अभी अभी मूवी देख के आया था, बहुत अच्छी मूवी है और पैसा वसूल मूवी है, ज़रूर देख के आओ। एंड गेम के बाद मार्वल की, मतलब अभी तक हम उसमें ही हैं कि काफ़ी सारे हमें हार्ट ब्रेक्स मिले, काफ़ी चीज़ें हुई उस मूवी में। ये मूवी भी बहुत शानदार है, आपको बहुत अच्छे VFX देखने को मिल जाएंगे। एक्टिंग के मामले में टॉम हॉलैंड ने बहुत अच्छा काम किया है। और यार स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सब, मतलब बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे तो पर्सनली। और मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी भी बोलूँगा मैं तो इसको, काफ़ी पसंद आई मुझे। साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, एक यूरोपियन एडवेंचर आप देख सकते हो इसमें। बाकी मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा कुछ भी, बस इतना ही बोलूँगा कि मूवी काफ़ी अच्छी है ये। और इसमें एक चीज़ जो मुझे लगी, जैसे मतलब मुझे थोड़ा ऐसे ही मैंने रिलेट किया, मुझे काफ़ी सही भी लगी वो चीज़। जैसे हम सब बेसिकली आयरन मैन के फैंस बहुत हैं और कहीं ना कहीं टोनी स्टार्क से हम बहुत रिलेट करते हैं। इस मूवी में भी थोड़ा थोड़ा मैंने किया कि कैसे पीटर पार्कर बड़ा हो रहा है, वो और रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। और स्पाइडरमैन की मैं कहूँगा ये अब तक मुझे बेस्ट मूवी लगी, मतलब बहुत अच्छी मूवी थी। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो कैसे रिलेट करता है, मतलब जैसे आप टोनी स्टार को देखते हैं, वो कैसे सेल्फ डिपेंडेंट होता है, अपनी चीज़ें खुद ही करना चाहता है। पीटर पार्कर भी इस मूवी में और पहले से भी हम देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका दिमाग टेक्निकल तो है ही बहुत ज़्यादा। और वो इस मूवी में के थ्रू हम और देख सकते हैं कि कैसे वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता है और कहीं ना कहीं रिलेटेबल है। और ये जो फेज 3 फेज 4 की जो मूवीज़ आने वाली हैं अब मार्वल की, कहीं ना कहीं इससे भी मार्वल ने इंडिकेशन दिया है कि ये मूवीज़ अब और अच्छी आएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमें लग जैसे कई लोगों को लगा था क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। मूवीज़ अच्छी ही आएंगी जिस हिसाब की ये मूवी थी। ये भी बहुत बहुत प्यारी मूवी थी गाइज, मैं वापस बोलूँगा, तुम लोग ज़रूर देख के आना, पैसे वसूल हो जाएंगे तुम्हारे। बाकी यार यही था, मैं अभी अभी मूवी देख के आया था तो ऐसे ही रह ही नहीं गया, बस सोचा कि बता दें। बाकी स्पॉयलर्स कुछ नहीं दूंगा यार मैं, नहीं तो मूवी का मज़ा ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, गालियाँ दोगे फिर मेरे को। तो बाकी यही है, एंजॉय करो सारे, देख के आओ मूवी। बाय, लव यू ऑल। और सब्सक्राइब कर देना चैनल। और बाकी जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, उन्हें मैं बता देता हूँ, इस चैनल पर अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, तो जुड़े रहो, प्यार बनाओ।